आगा। आगा। कुछ कुछ है पीछे ही था बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हैं जो फिल्मों में छोटा रोल करने के बाद भी फैंस के बीच अपनी गहरी छाप छोड़ देते हैं इनमें ही, इन ही अभिनेता विजय राज का नाम भी लिया जाता है जिन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया है कुंडली कह रहे हैं है कुंडली दोष है भारी दोष है दोस्तों बेटा तुम्हारी कुंडली में चालू होने वाला जान रहे हो उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है अपने अभिनय की शुरुआत उन्होंने साल उन्नीस में फिल्म भोपाल एक्सप्रेस से की थी इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया मिल जाएगा एकदम रेडी है लेकिन कहाँ लोखंड वाला के पीछे व्हाइट हाउस व्हाइट हाउस लेकिन विजय राज को बॉलीवुड में असली पहचान साल 2004 में फिल्म रन से मिली थी फिल्म रन में उनका कोवा बिरयानी वाला सीन खूब लोकप्रिय हुआ था सुनिए मेनू कार्ड लाइए क्या अरे एक प्लेट बिरयानी सुनिए बढ़िया बढ़िया लेग पीस डालना। लेकिन इन फिल्मों में अभिनेता का किरदार ज्यादा लंबा नहीं रहा इसके बावजूद विजय राज ने अपने हर किरदार में जान फूंक देने वाली एक्टिंग कर लोगों को खुश किया है और एक घर पे लेके जाएंगे घर में अरे रात तो काटनी पड़ती है ना बाबा लाइट फुल टाइट हालांकि उनकी बीवी साल उन्नीस सौ तिरसठ में दिल्ली में जन्मे विजय राज ने थिएटर से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी लाए लाए बातचीत भी प्रकाश बीडीज दस साल तक थिएटर करने के बाद ही वह फिल्मों में आए हाँ तो बमन बमन एक बार बमन है। हाँ तो एक बार बमन आपने इससे पहले क�... और यहाँ भी उनके काम को पसंद किया गया आज हम आपको विजय राज के उन किरदारों के बारे में बताते हैं जो फैंस के बीच काफी मशहूर हुए हैं लेकिन लेकिन कुछ नहीं कल से आप मेरे साथ शूटिंग कर रहे हैं वरना, you are out of the film, that's it. विजय राज फैंस के बीच फिल्मों में अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं कौन बोल रहा है कौन बोल रहा है? है है दासा नाम है मेरा ऐसे भागते भागते नहीं खड़े है। हैं पूरे पर को पर को लेकिन फिल्म डेली बेली में विजय डॉन के किरदार में दिखे थे फिल्म में डॉन बनकर विजय राज ने लोगो को डराने की बजाय हंसाने का काम किया था अभिनेता के काम को दर्शकों ने खूब पसंद किया अरे इसकी माँ की और मेरी माँ की एक ही कुंडली है हम जानते हैं उसको और इस फिल्म में विजय राज के अलावा इमरान खान वीर दास आमिर खान जैसे कलाकार नजर आए थे अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की फिल्म वेलकम में भी विजय राज ने अपनी दमदार एक्टिंग से खूब तारीफ बटोरी थी इस फिल्म में विजय ने नकली डायरेक्टर का किरदार निभाया था और वह नाना पाटेकर को एक्टिंग सिखाते हुए नजर आए थे इस फिल्म में भी उन्होंने अपनी शानदार डायलॉग डिलीवरी से सबको इम्प्रेस कर दिया था जाले। फिल्म धमाल में विजय राज अपने किरदार को शांत स्वभाव के साथ एक लेवल और ऊपर लेकर गए थे उन्होंने अपनी शानदार कॉमेडी से सबको हंसाया इस फिल्म में उनका रोल पांच मिनट से भी कम का था लेकिन इसके बावजूद वह फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे थे फिल्म रन में विजय राज के किरदार को शायद ही कोई भूल पाया होगा इस फिल्म में बेशक अभिषेक बच्चन नजर आए थे लेकिन यह फिल्म विजय राज के कौआ बिरयानी वाले सीन की वजह से फैंस के बीच याद की जाती है फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में विजय राज के सीन का वीडियो क्लिप आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है नहीं पटना से जैसे ही आप निकलो बाहर सामने ही है। अच्छा अच्छा जर्मनी में है भाई। टैलेंट से भरपूर विजय राज मॉनसून वेडिंग डेली बेली रन और जर्नी बॉम्बे टू गोवा जैसी कॉमेडी फिल्मों में अपना जलवा दिखा चुके हैं ऐसी है, है? चलता है हा, हा? नाम क्या तुम्हारा डॉक्टर प्रसाद आज भी इन्हें फिल्म में निभाए गए किरदारों से ही पहचाना जाता है हमारी गाड़ी चोरी हो गई है आहा, हा, हा। चोर गाड़ी लेकर भाग गया है वाह वाह वा, वा, बहुत अच्छे आपके माथे की ललाट लेकिन विजय अब फिल्मों से दूर नजर आ रहे हैं फिलहाल उनकी कोई नई फिल्म नहीं आ रही है हालांकि उन्हें टीवी एड में देखा गया है बता दें कि विजय का पहले से काफी लुक बदल चुका है फिल्म रन के लिए विजय को कॉमेडी के लिए अवार्ड भी मिला था फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी बता दें कि विजय राज ने बॉलीवुड के अलावा साउथ फिल्मों में भी काम किया है अभिनेता पर 2020 में फिल्म शेरनी की शूटिंग के दौरान होटल रूम में एक असिस्टेंट डायरेक्टर से छेड़छाड़ का आरोप लगा था इस मामले में पुलिस ने महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से उन्हें गिरफ्तार भी किया था हालांकि कुछ समय बाद ही उन्हें जमानत मिल गई थी तो दोस्तों आपको बॉलीवुड अभिनेता विजय राज कैसे लगते हैं हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मसालेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद